वाह क्या बढ़िया नाच दिखाया तुम लोगों ने। अच्छा है कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है जैक, लेकिन बाकी सब कहाँ है? भाग गए। हाँ हमारे शो में तो सब आने वाले थे ना। हाँ वो सभी बार्बी को देखने गए। कौन है वो? बार्बी, मेरा मतलब है कि केसी और एलिस। बार्बीज कौन होते हैं? हाँ तुम जानती हो वो लड़कियाँ जो सुपरहिट टीन शो में हैं। और हमारे लिए कोई नहीं आया उनकी वजह से? सब लोग उनके शो में गए थे। नहीं शो तो कोई रखा ही नहीं, बस ऐसे ही आ रहे हैं। क्या? क्या? वाओ ये तो रियल लाइफ बार्बीज है। मैं तुम्हारा शो हर बार देखती हूँ और मैंने हर एक एपिसोड को हजार बार वॉच किया है। और मैंने उसे लाख बार दोहराया है। तुम लोग बहुत कूल हो। हाँ हाँ पता है। क्या तुम यहाँ अपना शो शूट करने आए हो? नहीं अब हम इस स्कूल के छात्र बनेंगे। ये तो जबरदस्त है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ओ नेट, चाहे उनके बॉयफ्रेंड ना हो तुझे तो नहीं चुनेंगे। खैर क्लास का वक्त हो गया है। अरे क्या और थोड़ा सा सवाल पूछ सकते हैं? सिर्फ थोड़ा सा। फोटोज ले सकते हैं क्या? ठीक है पर तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। देखो इस वक्त पर बार्बी का फेम तुम सभी से कहीं ज्यादा है। अरे नहीं ये लोग हमारे फेम को छीन नहीं सकते। हाँ वो ऐसे कैसे फेम छीन सकते हैं, हम यहाँ की रानियाँ हैं। पर अगर सच में हम उनके साथ दोस्त बन सकते हैं तो? ये देखो उनके बारे में ऑनलाइन क्या लिखा जा रहा है, देखो अपनी आँखों से। आखिर में असली फैशन आइकन्स क्रेजी घर में? और वो लेम ब्रैड से बिल्कुल अलग। सच में क्या बकवास है ये। वो उनकी पैकेजिंग, बार्बी का सेल्फी पॉइंट भी बन गया। मुझे लगता है मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें पहले क्लेम नहीं कर सकती, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कैसी लग रही हूँ मैं? ये पिक्स तो धमाकेदार है। अब मेरी बारी है। हे, यहाँ क्या हो रहा है? फोटो ले रहे हैं। देखो उन्होंने हमारे डब्बे को क्या किया है। पागल हो गए हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बेबीज, तुम लोग पागल हो जो हमारे स्कूल में घुस चुके हो। हम यहाँ की रानियाँ हैं, हम इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करते हैं और हमें उस एरोगेंट और स्टीरियोटाइपिकल सुंदरता जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। पता था तुम्हारी आँखों में जेलसी दिखेगी। जंग चाहिए थी तो ऐसा करो ले लो। तुम लोग क्या करोगे सांप? उन्हें भूल जाओ ईवा, चलो फोटोज लेते हैं। शुक्रिया तारीफ के लिए। अरे सुना है स्कूल में एक नया केन आया है। हाँ हाँ पता है, हम पहले हैं और तुम हमारा मेन अट्रैक्शन हो। ओ हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही है। पता है लड़के तुम्हारी जैसी लड़कियों से थक चुके हैं। ओ हाँ हाँ। अरे यार मेरी टेक्स्ट बुक भूल गई। राम राम। हाय। तुम कहीं जा रही थी? जाओ। मुझे याद नहीं मैं कहाँ जा रही थी। ठीक है। वाह ये कितना हैंडसम है। हाय। ओ तुम भी यहाँ पर हो, कूल। हाँ लगता है कि हम एक ही क्लास में होंगे। बिल्कुल। तुम नए लड़के को जानते हो? हाँ वो केन है और वो क्रिस मेरा फ्यूचर वाला बॉयफ्रेंड। अच्छा ये कब से तेरा हो गया? ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। तुम उसे डेट नहीं कर सकती हो, पहले मैं मिली हूँ उसे। तुम्हें पहले क्लेम नहीं कर सकती। क्रिस को डिसाइड करने दो। मान लिया मैंने, लेकिन अगर उसने किसी और को डेट किया तो दूसरे को बताना पड़ेगा मुझे। डील। ओ, ओ, एक लड़के के लिए बैट्स का ड्रामा शुरू होने वाला है। लड़कियों चलो झगड़ा नहीं करते, एंड में कुछ मजेदार खबर है। कितने अनजान बन के तुमने मुझे इस कैफे में बुलाया है। अरे क्यों? तुम तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, बुलाना तो पड़ेगा ही यार। ओ ग्वेन, जरा 2 मिनट आओ ना। जैक तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ, जाओ निकलो यहाँ से। इसके साथ? हाँ अब निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है। बॉयफ्रेंड? कौन?
वो जैक? नहीं, वो तो बस मेरा एक दोस्त है। तुम्हारे आसपास तो कितने सारे लड़के हैं? मुझे जलन हो रही है। हमारा बॉक्स सच में कूल है। बार्बी के बॉक्स से बेहतर है। बिल्कुल। आह, मैं और क्रिस, हम दोनों इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। हे, तुम दोनों क्यों? ओह, क्या मैं सपने नहीं देख सकती? ओह, तुम लोग यहाँ पर आराम कर रहे हो और ग्वेन मजे कर रही है वहाँ? बस ऐसे ही घूम रहे हैं। और ग्वेन कह रही थी उसके पास इम्पोर्टेंट काम है। क्रिस के साथ घूमने से ज्यादा उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट काम हो ही नहीं सकता। क्या कहा, क्या वो क्रिस के साथ है? हाँ बिल्कुल, दोनों कैफे में मजे कर रहे हैं। डैमेड, हमने डिसाइड किया था कि अगर कोई पूछेगा तो सबको बताएंगे। हमें उससे बात करनी चाहिए। हाँ किटी, तुम इतनी चुप क्यों हो? सॉरी, कुछ सोच रही थी। ग्वेन चुपके से क्रिस से मिली, उसे सामने लाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन बाद में करते, अभी मुझे जाना होगा, बाय। हाँ अब ये क्या, यहाँ क्या हुआ है? हाँ कितना अच्छा है कि तुमने मुझे योगा के लिए बुलाया। हाँ मुझे योगा बहुत पसंद है, और सुंदर लौंडिया के साथ में हो तो मजे ही आ जाते हैं। शुक्रिया तारीफ के लिए। अरे सच बोल लिया भैया। चलो शुरू करते हैं। ओहो, मुश्किल वाला सबसे पहले शुरू किया है। मुश्किल? ये तो सबसे आसान है। सच में? हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम फनी हो, चलो चले। क्रिस, तुम यहाँ हो? हाँ हाँ हाँ, बस कुछ दिन से किया नहीं था ना। क्रिस, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हें चलने के लिए बुलाना चाहते थे। तुम्हें दो पॉपुलर लड़कियों के साथ चलने का मौका मिल रहा है। इमेजिन कितने लकी हो तुम। हाँ ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं बिजी हूँ। इसके साथ? हाँ, और मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम हमारे पीछे पड़ रही हो। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से, क्रिस को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है फिर, जो भी। ठीक है, बताओ सबको, बताओ मैं कितनी बुरी हूँ और मैं क्रिस के साथ डेट पे गई और किसी को भी नहीं बताया। hey, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। उसने कहा वो तुम्हें जानकर मुझसे मिलना चाहता है। क्या? हाँ, क्रिस ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि मैं ही उसके सपनों की लड़की हूँ। मजाक कर रही हो क्या? मैं उसके साथ योगा कर रही थी। तुम मजाक कर रहे हो, हम तो योगा कर रहे थे। तो फिर ये क्या है? अब समझी, ये था ना तुम्हारा अर्जेंट काम। और ये तुम्हें कैसे पता चला क्रिश को योगा पसंद नहीं है? मैं उसके साथ मूवी देखने गई थी तो उसने बताया। तुम लोग मजाक कर रहे हो, मुझे बिना बताए मेरे पीछे क्रिस से मिलने के लिए? वो तुम्हारा नहीं है। तुम सब इतने बेशरम कैसे हो? और तुम क्या, तुमने ये सब शुरू किया था? हाँ बिल्कुल, उसने डेट के लिए सबसे पहले मुझे पूछा था, लेकिन तुम लोगों ने जेलसी के मारे फ्लर्ट किया उसके साथ। तुम खुद को सुनते हो? क्रिस सिर्फ तुम्हें कैफे जाने के लिए पूछ रहा था। हम सब में तो हम सबसे कम क्यूट हो। ओह सच में? बस निकलो यहाँ से। तुम सब कितने गंदे हो। देखो कौन बात कर रहा है। तुमने सुना क्या? सुना क्या? क्या हुआ? ब्रॉड जोन में झगड़ा हुआ। क्या बकवास है, किसके साथ? उनके बीच आपस में। सच? उन्होंने आज से पहले कभी नहीं लड़ा। हाँ, चारों हमेशा साथ रहते थे। ये झूठ तो नहीं है ना? मैंने खुद सुना, उन्होंने एक लड़के के लिए लड़ा, अब गए काम से। अब वो लोग बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं रह सकते। वो एक साथ हैं, यही उनकी ताकत है। बाबीज आपस में नहीं लड़ती। हाँ वो शायद बुरे हैं, लेकिन आपस में नहीं लड़ते थे। अब सब क्लियर है। सभी ब्रेड्स के झगड़े की गॉसिप कर रहे हैं। वो लूजर्स हैं। अग्री करना पड़ेगा। क्या बार्बी क्रिस के साथ मिली हुई है? ये एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान है। क्रिस, तुम उतने बेकार नहीं हो जितने लगते हो। बिल्कुल, मैंने एक दिन उनके पुराने सैलों वाली दोस्ती को भी तोड़ दिया था। और अब हम स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। बार्बी के लिए चीयर्स। तो अब तुम मुझे भी शो में शामिल करोगे? मुझे कैमरा मैन बनने से थोड़ा बोर लग रहा है। हम सोचेंगे। तुम्हें अभी तक ये हक नहीं। पर मैंने सब कुछ सही किया है। मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक दौड़ता रहा, उन्होंने लड़ाई की, तुमने शो का प्रॉमिस किया था। हमें उन्हें पूरी तरह से खत्म करना है।
हाँ, ताकि वो एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करे। अरे बाप रे, ब्रैड्स को ये सब कुछ पता चलना चाहिए। मुझे तो ये दवा बर्दाश्त ही नहीं होता। ग्वेन, रुक जा, तुम्हारी बाकी दोस्त कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। कोई आइडिया नहीं है, हम बात नहीं कर रहे हैं। ढूंढो उन्हें, बारबी के बारे में जरूरी बात है। ओह सच में, उन्होंने लड़कियों को भी चूहा बना दिया है क्या? हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि क्रिस को उन लोगों ने भेजा था। क्या? उन बारबी के कहने पर क्रिस तुमसे मिला, तुम तीनों को ट्रिपल डेट करके तीनों में झगड़ा लगाया उसने। ये सारे सांप कहीं के? हमें बर्तोजो को एक करना होगा। हेलो किटी, सभी को बुलाओ। ये है हमारी दूसरी डेट। कितना अच्छा है, तुम्हें यकीन है लड़कियों ने कहा तुम उन्हें भी डेट कर रहे हो? कितनी चिपको बात है ना। हाँ, झूठी कहानियाँ। अच्छा तुम ऑर्डर करो और मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। बिल्कुल। क्रिश, तुम्हें देखकर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्वेन, अरे मुझे भी ऐसा ही लगा। इन आपत्ति रंस को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल लेकर आती हूँ अभी। अरे नहीं, उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा बे। सॉरी क्रिस, ये तुम हो? किटी, राम राम। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना तुम बिजी हो। ओ हाँ, एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस हैं, अभी वहीं जा रही हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी जाओ। ओके, रात को मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से बचा बे। क्रिस, हे। ओ भाई, एक और। ओ हाय टीना। मैं बस तुम्हें टेक्स्ट करने ही वाली थी कि किसी कैफे में मिलते हैं, लेकिन तुम यहाँ हो, क्या कोइंसिडेंस है? और क्या कोइंसिडेंस? मैं यहाँ हूँ। क्या हो रहा है, क्या फिर से मेरे बॉयफ्रेंड पे लाइन मार रहे हो? मैं कॉकटेल लेकर आ गई। तुम लोग क्रिश के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो यहाँ पे? फोन भूल गई थी। तुम लोग सब क्रिश के पीछे क्यों पड़े हो? चाहते क्या हो तुम लोग, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए? हा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं, मेरा है। नहीं, ये मेरा है। क्रिश, इन्हें बताओ। अरे यार, तो फंस गया। तुम फंस गए हो, इसका क्या मतलब है? तुम हम सब से एक साथ मिल रहे थे। और क्या, थोड़ा सा। हमारी लड़ाई की वजह तुम हो। तुम जानते हो हम ऐसे लड़कों को क्या कहते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, बार्बी ने मुझे मजबूर किया था, मैं नहीं चाहता था कुछ भी। फाइनली उसने सच बोल दिया। क्या, तुमको पता था सब? हमारे खास जासूस है। माफ कर दो मुझे यार, मैं बस लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहता था। बार्बी इसने मुझे ऐसा करने को कहा, उन्हें हमेशा ये करना होता है। तो फिर अब क्या प्लान है लड़कियों? उसे माफ करें? क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो बार्बीज का किया धरा था, उन्हीं का खेल है, क्रिस का नहीं। सही कहा तुमने, इस बार तो तुम बच गए हो। और अब बार्बीज के झूठों में मत फंस जाना। बाप रे। क्रिस कहाँ गायब हो गया है? पता नहीं, ये बेवकूफ फिर से गायब हो गया है। तो क्या ब्रॉड्स फिर से बेस्टीज बन गई? हाँ, अब वो स्कूल की बातों में है। क्या, ब्रॉड्स फिर से दोस्त बन गई? ये सब क्या बकवास है? देखो तो, स्यापिन खुद सामने आ गई। क्या कहा? सच में? पर क्या उसने झूठ बोला? तुम लोग बहुत बुरे हो। अच्छा, पर हम यहाँ की रानियाँ हैं। नहीं, ब्रॉड्स ने सब कुछ बता दिया कि तुम लोग कौन हो। जरा क्रिस के बारे में भी सोचो, उन्हें उससे लड़वाना पड़ा। अब कोई तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुमने सुना? मैं शॉक्ड हूँ, ये बेवकूफ हमें बेच दिया। हमें नए प्लान का सोचना पड़ेगा जल्दी। बिल्कुल, हम ब्रैडसन को जीतने नहीं देंगे। चलो। किसी को पता है कि हम यहाँ पर हैं क्यों? मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि क्यों बुलाया है हमें। हे ब्रैड्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या उन्हें भी एनोनिमस इनवाइट मिला है? असल में हम ही तुम्हें वो मैसेज भेजते थे। चलो गर्ल्स, यहाँ से चलते हैं, ये तो बस मुझे एक नया बार्बी का चक्कर लग रहा है। रुको, हमें बात करनी है। तो फिर आपस में ही बात कर लो। अब हम चलते हैं। रुको, तुम मत जाओ, हम सब ठीक करना चाहते हैं। ठीक करना है? हाँ बिल्कुल, और माफ़ी मांगना, क्रिस को टकराना बेवकूफ़ी थी। वाओ,
ऐसा तो नहीं सोचा था। हम तो बस सब कुछ कंट्रोल में ही रखते थे, सब तुम्हारे बारे में ही बात करते थे। हम गुस्से में आ गए। ये बेवकूफी थी। हम दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमें माफ करोगे? श्योर नहीं है। तुमने असलियत बताई समझ में आता है, लेकिन माफ करना हम विश्वास कैसे करें, ये कोई चाल नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ चलो कोलैबोरेट करते हैं, हमारे शो में से एक को फीचर करते हैं। कौन होगा? टीना। मैं? वाओ, हमेशा से सपना था कि मैं किसी शो में आऊँ। सपने सच होते हैं। तुम क्या कहती हो गर्ल्स? टीना की जिंदगी के हर पल को फिल्म करेंगे, और क्योंकि तुम उनका हिस्सा हो तो तुम भी साथ होंगे। तो तुम क्या कहती हो? हम भी शामिल हैं। अमेजिंग। ओह ग्रेट, चलो कल से शुरू करते हैं। क्या ये शो एक अच्छा आइडिया है? हाँ, बिल्कुल। इसमें मत पड़ो, तुमने कुछ बोला नहीं होता तो हमें उस ब्रैट्स के पीछे नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, उन्हें कैसे पता चला और मुझे टेस्ट करने लग गए? बस चुप रहो और खुश रहो कि हमने तुम्हें निकाल नहीं दिया। जो बोलोगे वही होगा। टीना। hey, मेरा इतना प्यारा स्वागत। और तुम हमारा मेन अट्रैक्शन हो। बिल्कुल, अब तो हम दोस्त हैं। शुरू करें? अभी से मैं तैयार नहीं हूँ। तुम फैबुलस लग रही हो। क्रिस, फिल्मिंग शुरू करो। सब लोग, बार्बी टीन टॉक में आपका स्वागत है। और हमारे नए सितारे का परिचय, टीना। हे एवरीवन, मैं टीना हूँ, स्कूल की फैशनिस्टा, और आज आप मेरे ब्राट्स दोस्तों के साथ मेरा एक दिन देखेंगे। शुरू करते हैं। हम पहले से ही स्टोर में हैं। देखो कौन आया है, पूरा ब्राट्स क्रू। हाय। हम टीना की मदद करेंगे। रुको रुको, ईवा तुम क्या करने वाली हो? क्या सीन है, मुझे लगा लड़कियां भी साथ में आ जाएंगी। बिल्कुल आएंगे, हम उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। लेकिन टीना, आज तुम एक सितारा हो, चलो। हम यहाँ पार्टी के लिए आउटफिट चुनने आए हैं, और लड़कियाँ इसमें मेरी मदद करेंगी। हाँ बिल्कुल, और हमने पहले से कुछ सामान भी देख लिया है। वाओ, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ओ टीना, पहले शायद इसे ट्राई करो। ये थोड़ा ट्रेंडी ऑप्शन है। वाओ, ये बहुत कूल लग रहा है। तो जल्दी से चेंज कर लो। ओह माय गॉड, तुम लड़कियों की पसंद अच्छी है। हाँ, टीना को हमारे चुने हुए कपड़े मिल गए। सुना तुमने, ये कितनी अनोइंग है। ये बार्बीज पूरी तरह से मेस्ड अप हैं। और अब हम हैं कैफे में। वंडर, क्या खाएगी हमारी सितारा टीना लंच में? मैं जानती हूँ, मेरी गर्ल्स मेरे फेवरेट फूड को पिक करेंगी। चलो ट्राई करते हैं। वाओ, मेरे फेवरेट बर्गर। हमने क्रिस के लिए भी एक लिया है, क्योंकि तुमने मना किया। हम डाइट पे हैं। तो खाओ ना। क्रिश, एक ले लो तुम। अरे तुम काम पे हो, बाद में खा लेना। टीना, हमें अगले स्पॉट पर जाना है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें टाइम लगेगा, हमने तुम्हारे लिए कुछ सेटअप किया है, ये लो। वाओ, फ्रूट्स। ये एक हैंडी और हेल्दी स्नैक है, तुम इसे बिना रुके भी खा सकती हो। चलो चलते हैं। तुम लोग ओवर रिएक्ट करते हो। क्या बर्गर्स खा रहे हो? यक, मोटे हो जाओगे। बिल्कुल अजीब लड़की है ये, कितनी मीन है। मुझे भी ये पसंद नहीं है। पहले से फिल्मिंग क्यों कर रहे हो? बैकस्टेज। तुम थक नहीं गए? लगता है बार्बीज तुम्हें छुट्टी नहीं देती हैं। नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है यार। फाइनली हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमारे माइक्स कहाँ हैं? हमें उनकी क्या जरूरत? क्या मतलब, मगर तुमने तो कहा था कि पहले इंटरव्यू होगा। ओह नो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन तुमने वादा किया था। किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर टाइम मिला तो तुम्हें फिल्म में ले लेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कैसे कोई इसके एटीट्यूड से सामना करता है। मैं जल्द ही उन्हें सजा दूंगी। मैं भी सहमत हूँ। क्रिस,
मैं आ रहा हूँ। कैसा चल रहा है? सुना है तुम्हारी और बारबी की कुछ बन नहीं रही? हाँ, खासकर केसी। ये लोग इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? इनको कुछ काम निकलवाना है क्या उनसे? बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार तो उसके खून में है। ये तो उनका कोई चक्कर है। हमें टीना को सब बताना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है टीना ने इस शो में आने के सपने देखे थे ताकि प्रोड्यूसर उसे नोटिस करे? ये उसके लिए और भी बड़ा रीजन है कि वो जाने का फैसला खुद ले। मुझे लगता है वो अपसेट होगी। मैं भी नहीं चाहती टीना अपना शो छोड़ दे, ऐसे उसका सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ सिर्फ दिखावा और इनका प्लान कुछ और ही? जैक सही कह रहा है। तुम लोग चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे नए दोस्त। सही शब्दों में बार्बीज, वो सच में कूल है। वो कितने अच्छे बन गए हैं। नहीं टीना, वो नहीं है। क्या मतलब? वो सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे लिए रूट है। उन्होंने कहा हमारे कपड़ों का टेस्ट खराब है और कहा कि बर्गर्स हमें मोटा बनाएंगे। वो बर्गर्स के बारे में तो सही बोल रहे हैं, हमें कम खाना चाहिए। क्या तुम सच में सीरियस हो? वो हमें इंसल्ट कर रहे हैं। तुम सब कुछ कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। इंटरव्यू में उनसे बात करो, वो समझेंगे और माफ़ी मांगेंगे। हाँ, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बारबी के हिसाब से हम किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ओह, अब समझ आया। तुम लोग बस जेलस कर रहे हो कि वो मुझे फिल्म कर रहे हैं, तुम्हें नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हारे लिए खुश हैं, लेकिन बारबी सच में मीन और स्नीकी है। बस करो, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरा इंटरव्यू है। ठीक है, ये लो। क्या मजाक है। तो क्रिस, इंटरव्यू तैयार है? हाँ जरूर, अपना काम समय में निपटा देता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सही तरीके से करो। अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मेरे को मार देगी? तुम्हें निकाल देंगे। हे सॉरी, देर हो गई मुझे। इसमें कोई बात नहीं टीना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरव्यू अच्छे से हो। हे टीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? हुआ? लड़ाई हो गई थी लड़कियों के साथ। कैसे हुआ? जैसा कि मुझे लगा वो मुझसे जेलस फील कर रही थी। टीना, हम तुम्हारे लिए अफसोस करते हैं। सच कहूँ तो हम ये पहले से जानते थे, बस तुम्हें उदास नहीं करना चाहते थे। क्या मतलब? उन्होंने तुम्हें ये बताया है क्या? तुम खुद देख लोगी। क्रिस, चलो। लड़कियाँ, तुम टीना के साथ इतनी देर से दोस्त हो, तुम उसके बारे में क्या कह सकती हो? वो बहुत इरिटेटिंग है। ओ वाओ, लेकिन वो तुम्हारी दोस्त है। किटी, तुम क्या कहती हो? मुझे तो वो कभी भी पसंद नहीं थी। ओके, बाय द वे, आखिर में टीना ने वही आउटफिट खरीदा जो मैंने और एलिस ने तैयार किया था, तुम्हारी नहीं? क्या तुम्हें उस पर बुरा लगा? जाइन कहीं की, ये तो नाइंसाफी है। मैंने सुना है तुम्हें लगता है टीना बहुत इरिटेटिंग है, क्या ये सच है? क्या तुम्हें उसकी कंपनी परेशान करती है? क्या टीना तुम्हें पसंद है? कैसे कोई उसकी कंपनी बर्दाश्त कर सकता है? मैं उसे जल्दी ही बता दूंगी। मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। कैसे कर सकते हैं वो? मुझे लगा हम दोस्त हैं। टीना, चुप हो जाओ। हमें अफसोस है, लेकिन कम से कम तुमने उनके असली रंग देखे। मुझे विश्वास नहीं होता, शायद उनका मूड खराब होगा, वो ऐसा नहीं सोच सकती है। मुझे शक है। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मुझ में इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यस, मुझे कहने में विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिस, तुमने अच्छा काम किया। हाँ क्रिस, सब कुछ परफेक्ट एडिट किया है। हाँ, फिर से फोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आता उसे हो क्या गया है। शायद वो उस बात से सच में अपसेट है। हाँ, हो सकता है, मगर हमारी इतनी भी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी कि उसने फोन नहीं उठाया। हाँ, टीना का ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। मुझे एक बार बुलाने दो, मैं कॉल करके देखती हूँ। मुझे कॉल करना बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाय, अंदर आ जाओ। मैं माफ करना क्रिस, लेकिन मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, दोस्तों ने धोखा दिया है। मुझे एक बात डिस्कस करनी थी, सही में जरूरी है। ठीक है, अंदर आओ। टीना, हम समझ सकते हैं तुम मुश्किल में हो,
तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए खास खबर है। ओह, क्या है वो? हमने तुम्हारे कुछ फुटेज को एक प्रोड्यूसर को दिखाया। उसको तुम बहुत पसंद आई और उसने डिसाइड किया है तुम्हें अपना खुद का शो देना चाहेंगे। क्या? क्या मजाक है ये? नहीं, मेरे पास शो होगा, मैं एक स्टार बन जाऊंगी। स्टार? बिल्कुल, तुम इस लायक हो। लड़कियां ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगी। बाय द वे, हमने सोचा हम उनके सामने ये अनाउंस करेंगे, ये उनका रिएक्शन देखने के लिए, वो खुश होंगी या नहीं, और तुम्हें पता भी चलेगा वो अच्छे दोस्त है या नहीं। सुपर, मैं रेडी हूँ। ग्रेट, इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ, हम लड़कियों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है। वो जरूर लड़ाई करेंगे और हम बैट्स की दोस्ती का डाउनफॉल कैमरे में पकड़ लेंगे। अच्छा लड़कियों, हम सब बहुत खुश हैं कि तुम सब यहाँ हो। वो खुश है बिल्कुल। ईवा कुछ परेशान है क्या? हाँ, वो खुश नहीं है जैसे हम खुश नहीं है। क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारे आसपास कौन है? लड़कियों चलो झगड़ा नहीं करते, एंड में कुछ मजेदार खबर है। प्रोड्यूसर्स टीना का शो शूट करने वाले हैं। तो टीना को खुद का शो मिलेगा, काफी कूल है ना? तो क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? सही कहा तुमने, ऐसा लग नहीं रहा, तुम तो बस जल रही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम उन चूहों के साथ जाकर चिपक गई, हमें इग्नोर किया और अब हमें डांस करना चाहिए क्योंकि तुम शो में हो। हाँ, तुम बहुत इगोइस्टिक हो। मैं? तुम्हें हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, हम लोग इतने साल से दोस्त हैं और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि बारबीज ने हमारे साथ क्या क्या किया है? हाँ, तुम सीधे उनके पास जाकर भाग गई थी। क्योंकि वो मुझे समझते हैं और तुम बेवकूफ हो। क्या? हाँ, बस बहुत हुआ। ये क्या किया तुमने? टीना, मैं अब थक चुकी हूँ तुम लोगों से। मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करती हूँ कि तुम लोग अब मेरे दोस्त नहीं हो। हमेशा से सपना था कि मैं किसी शो में आऊँ। तुम क्या कहती हो गर्ल्स? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमने तुम्हें उल्लू बनाया। एक्चुअली सबको, हमने तुम्हें अपने शो पर फीचर करने का फैसला किया है ताकि ब्रैड्स के साथ गड़बड़ हो और सब देख सके। अब ब्रैड्स का खेल खत्म और बारबी टॉप पे। और तुमने हमें इस चक्कर में धोखा दिया है। हम जानते हैं, हमारा पूरा शो धोखे पर टिका हुआ है। हमें स्कैंडल्स चाहिए, यानी झगड़े। खुश टीनेजर्स किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं होते। तो तुम्हारे सारे एपिसोड झूठे होते हैं? तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो? हाँ। क्रेज सब कैप्चर किया? क्या कर रही हो? तुमने खुद को कॉकटेल्स में पूरा भिगा दिया है। ये क्या हो रहा है? मैं कल से तुम्हारे धोखे के बारे में जानती थी और हम सब ने मिलकर ये खेल खेला तुम्हारे असली चेहरा देखने और सबको दिखाने के लिए। क्या? कैसे, कहाँ पता चला तुम्हें? मैंने उसे बताया। तुम हमेशा मुझे बुरा भला कहते थे, जबकि ब्रैट्स मेरे साथ बहुत अच्छे थे, वो कूल हैं, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। चूहे कहीं के, तुम ये किसी को नहीं दिखाओगे। अरे, उसे छूकर देखो क्या होता है। बेवकूफ, हम अब भी पॉपुलर ही रहेंगे। ये रियल बारबीज है आपके लिए, और ये था क्रिस का पहला शो। उम्मीद है आपने मजा लिया। ब्रैड्स तो अमेजिंग हैं, जो इन बार्बीज को एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, और क्रिस भी जो सब कुछ बता रहा है और अपना शो ऑन एयर करने के लिए, जिससे हम ये सब देख पाए। अब तो मुझे बार्बी से ही नफरत हो गई है। आई होप कि अब तक वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई होंगी। लुक, हु इज हियर? क्या हुआ, अब वो तुमसे प्यार नहीं करते? इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। हम तुम लोग को देख लेंगे। गो सब लोग, हमारे
ब्लॉग में स्वागत है। हमारा वीडियो हो गया है तो कमेंट्स में हमको बताइए आपको कैसा लगा। तो फिर बताइए आज के हमारे एपिसोड्स में आपको हमारे गेटअप्स कैसे लगे। उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको बारबी या फिर ब्रैड्स में से कोई तो पसंद होगा। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन से पसंद थे हम ये कमेंट्स में जानना चाहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है ये खत्म हो गया है। गाइस हमने फैसला किया है कि एक डांस बैटल से इसको सेटल करेंगे कि कूल कौन है। क्लियरली वो ब्रैड्स है। हाँ, हम पहले है। चलो फोटोज लेते हैं। बार्बी के मूव्स के बारे में बहुत स्मूथ। असल में बार्बी डॉल्स मेरे बचपन के फेवरेट थे। वो इतने पिंक और मस्त है। बार्बी पड़ोस में रहती थी। वैसे मुझे तो ब्रैड्स पसंद है क्योंकि वो कमाल करते हैं। तो लेडीज तैयार हो मूव्स दिखाने के लिए। मैं ब्रैड्स के साथ हूं। भूल जाओ ईवा। हां चलो शुरू करते हैं। चलो हमारे फॉलोअर्स डिसाइड करेंगे कि कौन बेटर है। ठीक है कमेंट करके बताओ कि कौन बेटर है क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बताओ ना सब कुछ जीता है इसके बारे में है। नहीं बेबी इस बार्बी का किसी ने हम सबसे बेस्ट है। चलो इन्हें दिखा देते हैं। Walking tightrope, say the light, and I call you. Woohoo! I would swim across the ocean to hold on to. मैं तो शॉक हो गई। सही कहा, मैं खुद भी हो गया। चलो उनके पास चलते हैं। चलो तो इनसे थोड़ा डांस बैटल के बारे में पूछा जाए। ओके गाइस फॉलोअर्स लगता है हमारे पास एक मसालेदार सिचुएशन हो गई है। तो अब आप लोग डिसाइड करो और कमेंट करके बताओ कि किसने बढ़िया डांस किया था। बार्बीज ने या ब्रैड्स ने या हमारे ट्विन्स ने। उम्मीद है आपने उन्हें मिस किया होगा क्योंकि हमने आपको बहुत मिस किया था। ब्रेड्स ऑल द वे। सच तो ये है कि सबने बहुत किया पर ब्रैड्स ने शो चुराया। तो क्या कहते हैं फॉलोअर्स, हम यहाँ आपके साथ जुड़कर बहुत खुश हुए हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को दबाना। लाइक करो जल्दी और बहुत 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 सारा कमेंट करो। हम इंतजार कर रहे हैं। गर्ल्स बिल्कुल मेरी पसंद का खाना चुनेंगी और थोड़ा क्रिस के लिए भी था। तो सुपर मैं रेडी हूँ। सामान पैक करने का वक्त आ गया और अगले स्पोर्ट पर जाने का। अरे क्या तुम कहाँ चली गई थी। मैं यहाँ हूँ। ये लोग हमारे फेम को छीन नहीं सकते। मैं जल्द ही उसे सच बताऊंगी। फिर से तुम हमें छोड़ते नहीं तो हम उनसे सुलह नहीं कर रहे होते। ब्रैड्स मुझे दूसरों को इस बारे में सच बताना होगा।